तिब्बती नववर्ष लोसर के 15वें दिन शनिवार को तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा का आशीर्वाद लेने चुगलाखन बौद्ध मठ में निर्वासित तिब्बतियों, बौद्ध भिक्षुओं और देश विदेश के बौद्ध अनुयायियों की भीड़ जुटी। लोसर के 15वें दिन हर वर्ष दलाई लामा निर्वासित तिब्बतियों को अपना आशीर्वाद देते हैं। धर्मगुरु के दर्शनों के लिए सुबह 5 बजे ही बौद्ध मठ में भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। मेरा नाम तेंजिन निजिन है और मैं अभी यहाँ पर सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं। आज हमारा तिब्बतन का हमारा 15 लोसर है, तिब्बतन में बोलते हैं छेबा चौहान बोलते हैं। तो हमारा यहाँ आज गुरु जी का सबको ब्लेसिंग हुआ है। दलाई लामा ने हमको बोला कि काइंडनेस करना है, अगर आपने किसी को अच्छा नहीं करना अच्छा नहीं किया तो एटलीस्ट इन लोग को हाँ मत करो। हाँ उसे बोला मेरे के लिए, हम सभी तिब्बतन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि दलाई लामा की वजह से अभी हम सबको पढ़ाई करने का मौका मिला और अभी हम यहाँ पर इंडिया में रहने के लिए जगह सिर्फ दलाई लामा की वजह से मिला। हाँ तो इसलिए थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज़ योनुस, आई एम फ्रॉम रोमानिया। His Holiness Dalai Lama was very emotional and I feel lucky that I'm here to listen to him about compassion, the first thing, that the most important thing for everybody, and that everybody is more into the teachings of Dhamma and Buddhism all over the world, and even the scientific, they try to see how that happens, but the religion, the Buddhism is what's showing really Dhamma works. Lucky, in peace and happy. मैक्लोडगंज से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।